नमस्कार, इंडिया नाउ 24 में आपका स्वागत है। मैं संतोष पांडे, ब्यूरो चीफ इंडिया नाउ 24 आजमगढ़ से। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस वक्त की बड़ी खबर पशुओं को लेकर के, मानव के बाद अब पशु हुए त्रस्त। आप देख सकते हैं इस समय ग्राम बरहतिर जगदीशपुर में हम हैं। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ पे पशुओं का टीकाकरण करने के लिए आए हुए हैं और यह जो है दूसरा महामारी अब पशुओं में आ गया। आइए हम उनसे मिलते हैं कि किस तरह से वे टीकाकरण करके इस महामारी की रोकथाम करेंगे। जी नमस्ते, पहले आपका ये लैम्पिक बीमारी है पशुओं में होता है गोवंशी में, इसकी टीकाकरण जो है सरकार द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है और जो है जन जन घर तक हम लोग जो है वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। इससे रोकथाम होगा? बिल्कुल होगा, वैक्सीनेशन इसलिए चल रहा है। पशुओं को एक कौन सा बीमारी है? लैम्पिक में जो शरीर पर छाले छाले तक धब्बा पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती है और जलनशील होता है, टेम्परेचर में फीवर में जाती है, उसी का वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या एक प्रकार का वायरस है? बिल्कुल वायरस है। यह संक्रमण अधिकतम मात्रा में पशुओं को फैल सकता है? गौवंश में अधिक फैलता है। गौवंश में अधिक फैल रहा है? जी अधिक फैल रहा है। सरकार इसकी रोकथाम करने के लिए क्या उपाय कर रही है? सरकार टीकाकरण करवा रही, वैक्सीनेशन करवा रही सरकार, और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम लोग हर हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर घर घर जाकर वैक्सीनेशन हो रहा है पशुओं को। सभी लोग, कोई शुल्क भी लग रहा है? नहीं, निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। सभी लोग लगवाएं गौवंशी को, सभी लोग लगवाएं, कोई जो है छोड़े ना। क्या इसका कुछ घरेलू उपाय भी बता सकते हैं? घरेलू उपाय का मतलब ये कि भाई थोड़ा साफ सुथरा उनको रखिए, एक जानवर से दूसरे जानवर से अलग रखिए। अगर पीड़ित है तो उस बीमारी से उसको दूर रखिए, आप उसको बच बचा करिए, उसका इलाज कराइए, उससे पहले कि वैक्सीनेशन करिए, तब कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे थे इंडिया नाउ 24। मैं संतोष पांडे, ब्यूरो चीफ आजमगढ़। धन्यवाद।